हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आप सबको बहुत पसंद है। आप सबकी रिक्वेस्ट होती है कि मैम सेम टॉपिक पे वीडियो बार बार आप ज़रूर डाला करें, तो कोशिश होती है कि आपको ये वीडियो अगर एक आध दिन छूट जाए लेकिन मिले ज़रूर, ठीक है? टाइमलेस वीडियो कभी भी आप देखेंगे तो आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। आज हम देखने जा रहे हैं किसी के भी बारे में, अगर आपको ये जानना है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, जो सोच है आपके प्रति वो क्या है, आपको किस नज़रिए से वो देख रहे हैं। तो चार लोगों के लिए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर अलग अलग नंबर पे आप अलग अलग पर्सन को रख कर देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर चार नंबर है। टाइमलेस वीडियो है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। एनर्जी अगर इस चैनल से आपकी कनेक्ट रही है, आप कमेंट करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो जो भी कुछ आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ज़रूर हो, तो ज़रूर होगा, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देख लीजिए आप चारों नंबर को, जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर चुन लीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वर्तमान में जो भी कुछ उनके जीवन में चल रहा है वो क्या है। 1 2 3 4, बहुत ध्यान से देखिएगा इन चारों नंबर को। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर। आपके सामने अब यहाँ पर चार नंबर्स हैं, तो बहुत ध्यान से जो नंबर आपने जिसके लिए चुना था बस ये ध्यान रहना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फर्स्ट, आपने जिसके लिए भी चुना है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कुछ भी लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स या जो भी आपका दिल कहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको खुद के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जो आप कहते हैं, जो आपने कहा है, जो बातें आप बोलते हैं वो सब सच्ची हैं। हो सकता है कि आजकल में लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो आपसे वो कह दे कि आप झूठे इंसान हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा जिससे आपको लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, विश्वास तो वो आपके ऊपर बहुत करते हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ा सा एक पॉइंट का उनको डाउट आया नहीं है। वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से ध्यान दें, लेकिन वो आप पे विश्वास बहुत करते हैं, आपको एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत है, दिल का बहुत अच्छा है, आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं वो। लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप जो आप चाहते हैं, जो आप जानते हैं, जो आपके विश्वास में है, आप उसे विश्वास नहीं करते हैं, जो आपका दिल कहता आप उस पर नहीं चलते हैं। आप अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर लोगों में जब जाते हैं तो आप अपनी एक सोच को चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके का, मतलब लोगों से आप प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है, ठीक है? आसपास के माहौल से आप प्रभावित हो जाते हैं, चाहते कुछ और हैं, उस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस काम को रोक देते हैं, सोचने लग जाते हैं। आप जा तो सही रहे हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन आप फिर सोचने लग जाते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर विश्वास करते तो हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आप पे विश्वास ना करें, लेकिन उनको करना पड़ जाता है आप पे अविश्वास, ठीक है? तो ये आपके बारे में वो सोच रहे हैं। उनके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सही है, लेकिन आपको लेके वो थोड़ा सा परेशान है, उनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या स्टेप आप लेंगे, पता नहीं क्या आप करने वाले हैं, इस चीज़ को लेके वो परेशान है। आइए देखते हैं हम नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है, जिसके लिए भी आपने चुना है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। एम्परर का कार्ड है। आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मेहनती इंसान, दिमाग वाला इंसान, अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाला इंसान, लेकिन गुस्से वाला भी समझते हैं, ज़िद्दी भी समझते हैं, ईगो वाला भी समझते हैं, अपनी ही समझने, मतलब अपनी ही घमंड में रहने वाला थोड़ा बहुत ये भी समझते हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में वो देखते हैं, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति जिसे भविष्य का पता है, जिसे सब कुछ पता है,
तो वो इस तरीके से आपको देखते हैं नंबर सेकंड, ठीक है, आपने जिसके लिए भी चुना है वो आपको बहुत ही पावरफुल इंसान समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही तीव्र बुद्धि के हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे, आपके पास शक्ति है, एक तरीके से मतलब पावर है, डिवाइन पावर है। तो पावर का मतलब यहाँ आप समझिएगा, आप जिस भी फील्ड में होंगे ना वहाँ पे लोग आपकी बातों को समझते होंगे, ठीक है, जो भी काम आप करते हैं लोग वहाँ पे आपकी बातों को समझते हैं। डिवाइन पावर का मतलब यहाँ ये समझिएगा आप कि वो आपको बहुत ज़्यादा, आप जिस भी धर्म से होंगे पूजा पाठ भक्ति में आपका बहुत मन लगता होगा, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, तो एक ऐसी पावर भी आपके पास है जिससे आप जो चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय वो देखते हैं। कुछ चीज़ें ये भी हैं कि गुस्सा करते हैं ये सब, तो ये चीज़ें तो हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो एनर्जी होती है ना वो एक्सचेंज भी हो जाती है, हो सकता है कि ये सारी क्वालिटी आपके अंदर हो और ये वीडियो आप सुन तो रहें किसी और के लिए, कि कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जी आपको आपके बारे में ही बताती है। ये ज़्यादातर जब जनरल रीडिंग हो रही होती है ना तब ऐसा होता है, तो अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है बैकग्राउंड में प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, उम्मीद करते हैं कि नंबर सेकंड जो था वो आपसे कनेक्ट हुआ होगा। आइए देखते हैं नंबर थ्री हमें क्या पता चलता है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। वैसे पड़ोसी के यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं तो उसको हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर वक्त हम जाके किसी को टोक नहीं सकते हैं कि ऐसा मत करिए वैसा मत करिए। देखिए अब आवाज़ ख़त्म हो गई। आइए देखते हैं नंबर तीन हमें क्या पता चलता है कि आपने जिसके लिए भी चुना है ना वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर तीन, आपके बारे में ये व्यक्ति बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, आपने बहुत सारी सफलता हासिल की है, नहीं की है तो आपने संघर्ष बहुत किया है, तो आप बहुत सफल व्यक्ति भी बनेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको एक बहुत परिश्रमी इंसान समझते हैं, झूठ नहीं बोलना है आपको, झूठ बोलना आपको आता नहीं है ऐसा उनको लगता है, और आप जो हैं वो सामने हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको कभी कभी लगता है कि आप बहुत बनावटी हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ फिल्मी स्टाइल में उनसे कुछ बातें करते हो या डायलॉग वगैरह बोलते हो तो उनको ऐसा लगता हो कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और क्या आपके दिमाग में चल रहा है वो आप जाहिर नहीं होने देते हैं। जहाँ तक वो आपको समझते हैं वो तो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपका प्लान क्या है, वो आप कभी किसी को जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको अपने हर एक प्लान में सफलता चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि अब जब तक आप अपने प्लान को अपने तक रखेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं, एक फरिश्ते के जैसे हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है वो। आइए देखते हैं नंबर चार, आपने जिसके लिए भी चुना है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो। आइए जानते हैं आपने जिसके लिए चुना है नंबर चार वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो स्टार का कार्ड है, आपके पर्सन आपको समझते हैं कि आप एक बहुत अच्छे मेहनती इंसान हैं, जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है, जो भी कुछ आप पाए हैं जीवन में जिस भी स्थिति में हैं, आपने जो भी कुछ हासिल किया है वो बहुत मेहनत से हासिल किया है, आपको मतलब जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो अपनी खुद की मेहनत से, ठीक है। ये उनको लगता है कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आपके जीवन में जो स्थितियाँ रही हैं बहुत विपरीत रही हैं, आपने खुद के लिए स्थान बनाया है, ठीक है, तो वो इस तरीके का आपको समझते हैं। साथ में वो ये भी देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ छुपाते नहीं हैं, आप जैसे हैं वो सामने हैं, आपका कोई डबल फेस नहीं है, दो कहते हैं ना टू फेस वाले इंसान, वैसा नहीं है आपके साथ, आप जो हैं वो सामने हैं, जो दिखाते हैं वो आप हैं, आप छुपते नहीं हैं। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा आकर्षित ये चीज़ है उनके, मतलब आपके अंदर ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं, बस आपको बहुत सारी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है, बस ठीक है, लाइफ की एक प्लान है वो हमें हासिल करना है, कि मतलब वो चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, उस तरीके से आपको ये देखते हैं। क्या आप बहुत शांत प्रिय इंसान हैं, मतलब बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं,
खुश रहने वाले इंसान हैं, लोगों को खुश रखने वाले इंसान हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी भी हुई हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार आपके सपने टूटे हैं, बहुत स्ट्रगल आपने किया है, लेकिन फिर भी आप ना उम्मीद नहीं हुए हैं, हमेशा आपके अंदर एक उम्मीद एक होप रहा है, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव हैं आपके लिए, आपने जिसके लिए भी चुना ना, ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हुई होगी, अगर कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।